साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम वाइब्रेटरी फिडल के बारे में स्टडी करेंगे, उसका कंप्लीट बनावट के बारे में देखेंगे, अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे और कैसे फंक्शन करता है। ये वाइब्रेटरी फिडल जो होता है इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जहाँ पर कि बहुत सारे बंकर होते हैं, बंकर के नीचे कन्वेयर बेल्ट होता है, तो कन्वेयर बेल्ट में मटेरियल फीड करने के लिए वाइब्रेटरी फीडर यूज़ किया जाता है। वाइब्रेटरी फीडर में स्पेशली एक कॉइल होती है जिसको हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज दिया जाता है तो वो वाइब्रेट करता है। यहाँ पर वाइब्रेटरी फीडर का एक इंटरनल डायग्राम दिया गया है, जिस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो मेन पार्ट है ये वाला पार्ट बॉडी कहलाता है। इस बॉडी को यहाँ पर दिखाया है, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर में ये ई कोर होता है, ई कोर, और ई कोर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक ई कोर को फिक्सिंग प्लेट रहती है। ये जो प्लेट है ये वाली, इसके अंदर में ई कोर टाइट है और ई कोर को पीछे बॉडी के साथ में स्टड के द्वारा टाइट किया जाता है। स्टड में एडजस्ट करने का साधन रहता है जिससे कि हम ई कोर को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ई कोर के सामने में यहाँ पर आई कोर होता है, आई कोर के साथ में आई कोर की फिक्सिंग प्लेट रहती है और इस प्लेट के योग के साथ में ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन, इसको योग बोलते हैं। योग के साथ में इसको नट बोल्ट के द्वारा टाइट किया जाता है। दो नट बोल्ट इधर रहते हैं, दो नट बोल्ट इस साइड रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर स्टड में ई कोर के प्लेट में दो नट बोल्ट पीछे साइड रहते हैं, दो स्टड इस साइड रहते हैं। आई कोर और ई कोर के बीच में जो गेप रहता है वो 1.5 mm के आसपास रहना चाहिए। अगर गेप कम ज़्यादा होता है तो उसको इस स्टड के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। अभी जो योग है, योग की फिटिंग में यहाँ पर स्प्रिंग प्लेट्स रहती हैं, ये फ्लैट स्प्रिंग बोलते हैं, जो कार वगैरह के नीचे पट्टा कहते हैं उसी को बोलते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है कैपेसिटी के हिसाब से किसी में 9 स्प्रिंग होती है, किसी में 12 स्प्रिंग होती है। तो ये जो काले कलर के दिखा रहा है ये स्प्रिंग प्लेट्स हैं। तो इसमें यहाँ पर 8 स्प्रिंग लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ की पूरी स्प्रिंग प्लेट होती है, जो कि यहाँ पर बॉडी के साथ फिक्स होती है, यहाँ बॉडी के साथ फिक्स होती है और इस जगह में योग के अंदर से पार होती है। तो योग में इस प्लेट को टाइट करने के लिए यहाँ पर पीछे में एक आयरन का ब्लॉक होता है, इस आयरन के ब्लॉक में ये स्प्रिंग प्लेट टच हो जाती है और यहाँ से दूसरा आयरन ब्लॉक होता है और यहाँ से सेंटर बोल्ट के द्वारा टाइट किया जाता है। इस तरह से जो पूरी स्प्रिंग प्लेट है ये योग के अंदर में पूरी तरह से टाइट हो जाती है, मतलब कि जब ये योग आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो उससे स्प्रिंग प्लेट के ऊपर में खिंचाव आएगा। तो यहाँ ये स्प्रिंग प्लेट को यहाँ बॉडी स्ट्राइक कर देते हैं, यहाँ बॉडी स्ट्राइक कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग प्लेट के दोनों साइड जो हैं बॉडी के साइड में टाइट है। यहाँ पर बॉडी के साइड टाइट है मतलब फिक्स हो गया, यहाँ पर बॉडी से टाइट है तो फिक्स हो गया और यहाँ बीच में योग के साथ है। तो जब ये मैग्नेट बनता है तो ई कोर मैग्नेटाइज होने से आई कोर को खींचता है, खींचने से स्प्रिंग प्लेट इधर को दबती है और फिर जैसे ही मैग्नेट बंद होता है तो उस समय ये पीछे को खसकती है। तो इस तरह से जब इसमें हम हाफ वेव रेक्टिफाइड सप्लाई देते हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ के समय करंट फ्लो होगा और नेगेटिव हाफ में करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ में करंट फ्लो होगा तो उस समय ये जो ई कोर है इस आई कोर को खींचेगा और स्प्रिंग के ऊपर लोड आएगा और ये स्प्रिंग इधर को टेंशन में लाएगी। जैसे इसकी पॉजिटिव हाफ की सप्लाई बंद होगी और 0 वोल्टेज आएगा नेगेटिव हाफ में तो ये वापस जाएगा और इस साइड को वापस चल जाएगा। तो इस तरह से ये जो योग है ये स्प्रिंग और मैग्नेट के बीच में वाइब्रेट करता है, मतलब तो मैग्नेट जो है अपने साइड खींचता है और स्प्रिंग उसको वापस लेके आता है, फिर मैग्नेट खींचता है फिर वापस जाता है। इस तरह से ये जो है इसमें हम जो सप्लाई देते हैं 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की डी सी सब हाफ एफ डी सी रेक्टिफाइड सप्लाई, तो ये 1 सेकेंड में 50 बार इसको खींचता है और ये स्प्रिंग के द्वारा 50 बार वापस जाता है। तो ये जो योग है ये वाइब्रेट करना चालू कर देता है। और ये जो वाइब्रेट करता है इस योग के सामने में यहाँ पर ये ट्रे को फिट किया जाता है, ये जो योग की पट्टी है इसके साथ में ट्रे के नीचे वाली फिक्सिंग को टाइट कर देते हैं 6 बोल्ट से इधर 6 बोल्ट इधर से। तो ये यहाँ पर जगह कम होने के कारण से ट्रे को छोटा दिखाया गया है, जबकि ये ट्रे जो है करीब यहाँ पर विड्थ इसकी 500 mm होती है और इसकी लेंथ जो है 1 मीटर होती है। यहाँ जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा सिम्बॉलिक रूप में दिखाया गया है। तो जैसे ये हम इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड सप्लाई देते हैं तो ये जो कोर है आई कोर वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेट करने से ट्रे वाइब्रेट होता है, तो
ट्रे के ऊपर जो बंकर का चूट रहता है वहाँ से मटेरियल होता है वो आगे खसकना चालू कर देता है और मटेरियल जो है बंकर से बेल्ट के ऊपर गिरना चालू कर देता है। तो इस तरह से ये वाइब्रेटरी फीडर काम करता है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि फीडिंग कम हो जाती है, तो उस समय चेक करने की बात यह रहती है कि ये जो योक है ये टूटा तो नहीं है, दूसरी बात ये स्प्रिंग प्लेट जो है वो टूटी तो नहीं है, तीसरा जो है इसके जो ये बोल्ट है ये वाले बोल्ट और ये बोल्ट और सेंटर बोल्ट ये 6 बोल्ट अच्छे से टाइट है कि नहीं। इसके बाद में भी अगर फीडिंग कम होती है तो इसका गैप चेक करते हैं, गैप जो है 1.5 mm के आसपास होना चाहिए तब फीडिंग सही आती है। इस तरह से ये वाइब्रेटरी फीडर के बारे में कंप्लीट बताया गया है। इसमें जो ये है दोनों पॉइंट लीड कर रहती है, मतलब ये कॉइल है, कॉइल से ये एक फेस है और दूसरा फेस है, इसमें 400 वोल्ट की हाफ वेव रेक्टिफाइड सप्लाई देती है। ये जो स्प्रिंग टाइप दिख रहा है ये 4 यहाँ पर है, ये 4 स्प्रिंग सस्पेंशन है, इसके द्वारा पूरा वाइब्रेटरी फीडर को बंकर से लटकाया जाता है। और जब वाइब्रेटरी फीडर का इंक्लिनेशन एडजस्ट करना होता है तो इसके साथ में एडजस्टेबल यू बोल्ट रहता है, उसके द्वारा इसको एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से वाइब्रेटरी फीडर के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने इसमें दिया हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक करिए, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में या वाइब्रेटरी फीडर के बारे में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।